वेलकम बैक टू माय चैनल। और देखिए आज मेरा बाहर का व्यू, घर का, कितनी तेज़ धूप है। तो ऐसी समर सीज़न में क्यों ना आज कोई स्पेशल ड्रिंक बनाया जाए। तो आज मैं बना रही हूँ एक स्पेशल ड्रिंक जो है वनीला मिल्क शेक। तो देखिए इसके लिए मैंने ले लिया ये फुल क्रीम मिल्क, वनीला आइसक्रीम एंड चॉकलेट सिरप, एंड साथ में आप थोड़ी सी वाइट शुगर या जो भी स्वीटनर आप यूज़ करना चाहते हैं वो लें। तो ये हैं हमारे बस तीन इंग्रेडिएंट्स। तो प्रोसीजर बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं लूँगी एक ब्लेंडर, एंड ब्लेंडर जार में मैं डालने वाली हूँ मिल्क। मैंने बिल्कुल चिल्ड मिल्क लिया है। ये गया मेरा चिल्ड मिल्क, एंड यस अब मैं डालने वाली हूँ ये मेरी वेनिला आइसक्रीम। यस सो अभी एक्चुअली ये बहुत ठंडी है तो इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो आप दो बिग स्पून डालिए। This one, ये गई मेरी आइसक्रीम, एंड हमने अब बंद कर देंगे आइसक्रीम के डिब्बे को और इसको वापस से फ्रीजर में रख देंगे। एंड साथ में मैं यहाँ डाल रही हूँ पाउडर्ड शुगर फुल स्पून, थोड़ा और, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यस अब ये बन गया। तो अब मैं इसको ब्लेंडर में जाके स्मूदी या स्मूदी मेकर में इसको चलाती हूँ। तो मैंने बन गया है मेरा शेक, एंड इससे पहले कि मैं शेक इसमें डालूँ मैं थोड़ा सा ग्लास को डेकोरेट करूँगी, उससे ये बहुत सुंदर दिखता है और थोड़ा हर्शले चॉकलेट का फ्लेवर आता है। मुझे ये सब बहुत पसंद है, आप लोग को जैसा पसंद है उस हिसाब से करिए इसको डेकोरेट करने के लिए। एंड यस वी आर गुड टू गो। तो अब हम अपना जो मैंने बनाया है स्मूदी मेकर में शेक अब इसको पोर करेंगे। वाओ कितना टेस्टी दिख रहा है मेरा वेनिला मिल्क शेक। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए इसको। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।